हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीगा ट्यूटोरियल्स। स्टडीगा ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 2017 5 अगस्त 2017 शिफ्ट 3 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। इसमें हम आपको सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो वीडियो है ये आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि आप तक ये क्वेश्चन लेकर आएँ। हमने एसएससी सीएचएसएल के भी कई सेट्स कवर किए हैं और अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोनों वीडियोज़ अपलोड करना थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम आपको दोनों वीडियो एक दिन में प्रोवाइड करेंगे और इसमें हम एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 5 अगस्त 2017 में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और फीडबैक से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट से आपको वीडियो प्रोवाइड करें। हमारा मेन टारगेट है कि आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ में 50/50 जनरल अवेयरनेस में स्कोर करें। तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उन तक ये फ्री वीडियोस पहुंचे और उनकी काफी मदद हो। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2017 5 अगस्त 2017 शिफ्ट 3 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। देखिए, पहले आपको बता दें कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड होता है कि जैसे ही किसी आइटम का प्राइस इंक्रीज होगा वैसे ही उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उसका एकदम से प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो आप इसकी डिमांड कम हो जाती है आपके अंदर। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड कम होगी। तो इसमें से कौन सा केस है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है? तो देखिए, ये जो केस है ये है गिफन गुड्स का केस। तो आपको बता दें कि गिफन गुड्स जो है वो प्रोडक्ट होते हैं और जो कि पीपल कंज्यूम करते हैं, अगर उसका प्राइस जो है राइज हो जाता है तभी भी उसको कंज्यूम किया जाता है, और इसका जो लॉ ऑफ डिमांड है इस रूल को ये गिफन गुड्स ब्रेक करता है। तो आपको याद रखना है, गिफन गुड इज़ अ प्रोडक्ट दैट पीपल कंज्यूम मोर ऑफ एज द प्राइस राइजेज एंड वाइस वर्सा। तो इसमें जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है। तो ये गिफन गुड्स का लॉजिक है और ये लॉ ऑफ डिमांड को फेल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गिफन गुड्स। नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इसमें कितने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं? देखिए, इनिशियली इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक जो राइट है वो डिलीट कर दिया गया, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। अब टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आपको याद रखना, फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें जो आपको ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं। तो ये सारे आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको बाय हार्ट याद रखने हैं, और टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी के दौरान, जो कि इमरजेंसी लागू होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंदर, उसमें सस्पेंड नहीं होते हैं? तो देखिए, दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों आर्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंड नहीं हो सकते इमरजेंसी के टाइम पर भी। तो आपको याद रखना है, तो आर्टिकल 20 जो है वो है राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों जो है इन्फोर्सेबल रहते हैं जब इमरजेंसी लागू होती है, मतलब इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो आपको याद रखना, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेक्स्ट पे हम आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। अगर आप ये फर्स्ट इन इंडिया अच्छे से याद कर लें तो आप इस क्वेश्चन में कभी गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि पहले वॉइस रॉय कौन थे, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, या इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान हैं और इस पर हमने वीडियो भी प्रोवाइड किया है। प्लीज़ वीडियो का यूटिलाइजेशन कीजिए, जो ये फ्री वीडियोस हैं इनसे आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर याद कीजिए, फर्स्ट इन इंडिया दोनों मेन और वुमेन में, और जो पहले वॉइस रॉय हैं इंडिया के वो हैं लॉर्ड कैनिंग। तो ये पहले वॉइस रॉय हैं इंडिया के, आपको याद रखना, लॉर्ड कैनिंग इज़ द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, और इन्होंने सर्व किया है 1856 से लेकर 1862 तक। तो आपको याद रखना, देखिए 1856 में एक
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जो कि अब फर्स्ट वॉर नहीं रहा, एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, और उसके बाद जो है ये जो वॉइसरॉय है इनका डेजिग्नेशन चेंज हो गया था। तो अब ये वॉइसरॉय, उसके बाद से जो है जितने जो भी गवर्नर जनरल थे वो वॉइसरॉय कहलाने लगे, और जो पहले वॉइसरॉय बने इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट हम आते हैं, हु रोड न्याय सूत्रा, तो देखिए ये बुक का नाम है, तो न्याय सूत्रा किसने लिखी है, तो इनका नाम है गौतम, तो गौतम जो है इन्होंने लिखी है न्याय सूत्रा, और ये इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ है इंडियन लॉजिक पे, और ये रिगार्ड की जाती है एज अर्लीस्ट वर्क ऑफ न्याय फिलोसफी। तो आपको याद रखना है न्याय सूत्र इज रिटन बाय गौतम। इस तरह से कई बुक्स जो एंशिएंट इंडिया की है, जैसे कि मेगाथीज ने आप एक बुक लिखी है इंडिका, तो ये सारी बुक्स आपको याद रखनी है कि विष्णु गुप्ता ने कौन सी बुक लिखी है, और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो न्याय सूत्र लिखी है गौतम ने। नेक्स्ट बात है, अर्थ्स डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर इज मरीना ट्रेंच, इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। देखिए अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है मरियाना ट्रेंच, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कौन से ओशन बॉडी में लोकेटेड है, तो देखिए ये ओशन जो है ये है पैसिफिक ओशन, और यहाँ पर ये मरियाना ट्रेंच लोकेटेड है, आपको याद रखना है, और ये डीपेस्ट पार्ट है वर्ल्ड के ओशन का, और इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो आपको याद रखना है मरियाना ट्रेंच इज़ लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट हम आते हैं, मसई इज़ अ ट्राइब ऑफ विच ऑफ द कंट्री, तो देखिए मसई जो है वो कौन सी कंट्री की ट्राइब है, तो ये है केन्या की ट्राइब, आपको याद रखना है केन्या एक कंट्री है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, और जो मसई है वो ट्राइब है पीपल की जो कि तंजानिया और केन्या में रहते हैं, तो आपको याद रखना है ये दोनों ही कंट्रीज जो हैं ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है, और यहाँ की ये ट्राइब है मसई, तो मसई इज़ अ ट्राइब ऑफ केन्या। केन्या की राजधानी क्या है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, तो आपको याद रखनी है नैरोबी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ केन्या, और मसई इज़ द ट्राइब ऑफ केन्या। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज पेसमेकर एसोसिएटेड, तो देखिए कौन से बॉडी ऑर्गन से पेसमेकर एसोसिएटेड है, तो कई लोग इसका आंसर शायद जानते होंगे लेकिन कई लोगों को नहीं पता है। देखिए पेसमेकर जो है ये हार्ट से एसोसिएटेड है, तो हार्ट में ये मेडिकल डिवाइस लगाई जाती है और जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस यूज करता है, और उसके बाद ये हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, तो कई लोगों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको ये मेडिकल डिवाइस लगाई जाती है जिसका नाम है पेसमेकर, तो पेसमेकर इज एसोसिएटेड विद हार्ट। नेक्स्ट में आते हैं, हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, तो देखिए हीमोग्लोबिन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें पूछा गया कि हीमोग्लोबिन जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसका है, तो उसका करेक्ट आंसर है रेड ब्लड सेल्स का, तो हीमोग्लोबिन इज़ ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स जिसको हम RBCs बोलते हैं उसमें पाया जाता है, और ये एसेंशियल केमिकल है जो कि ऑक्सीजन को हमारे लंग्स तक कैरी करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में कैरी करता है, तो हीमोग्लोबिन इज ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ RBCs। नेक्स्ट में आते हैं, अनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए अनीमिया जो है इससे किस चीज़ की कमी से हमारी बॉडी में हो जाती है, तो देखिए कई चीज़ें हैं जिसकी कमी की वजह से कई डिजीजेज हो जाते हैं, लाइक जैसे कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन B1 से हमारे को बेरी बेरी हो सकती है, विटामिन C से स्कर्वी, और विटामिन D से जो है आपको रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और विटामिन K से ब्लड क्लॉटिंग की लेकनेस हो जाती है, तो इस वजह से ये सारी डिजीजेज है जो आपको याद रखनी है, और हमने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में जो SSC JEE है उसमें ये वीडियो भी प्रोवाइड करी है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट विटामिन की जो कमी से जो डिजीजेज होती है वो कवर किया है, जैसे कि आयरन की कमी से गोइटर हो सकता है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं। तो अनीमिया का पूछा गया है, तो अनीमिया जो है ये जो गोइटर है वो आयोडीन की कमी से होता है और अनीमिया आयरन की कमी से होता है, ये बात आपको याद रखनी है, बाय मिस्टेक ही हमसे बोला गया है, तो अनीमिया इज कॉज बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, तो आपको याद रखना है कि इट इज कॉज बाय शॉर्टेज ऑफ आयरन मोस्ट ऑफन थ्रू ब्लड लॉस, तो जैसे ही ब्लड लॉस होता है उसमें आयरन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अनीमिया इज कॉज बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ आयरन। नेक्स्ट में आते हैं, वॉट इज़ मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन ईको, तो देखिए ईको क्या होता है, सपोज़ आप किसी माउंटेन पे हैं वहाँ पर आप ज़ोर से आवाज़ लगाएं तो आपकी जो आवाज़ है वो वापस आपको सुनाई देगी, उसको बोलते हैं ईको। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है कि आप ईको को सुन सकते हैं, उस आवाज़ को सुन सकते हैं, तो ये होता है 17.2 meters, और ऑप्शन में आपको 17 meters दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर 17 meters है, तो आपको याद रखना है कि जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो 17.2 meters के डिस्टेंस पे होना चाहिए साउंड सोर्स से, तभी जो पर्सन है वो अपनी इकोड आवाज़ को सुन सकता है, तो द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको इज 17 meters। नेक्स्ट हम आता है, व्हाई डज अ ब्लैक बोर्ड
अपीयर्स ब्लैक इन कलर। तो देखिए ब्लैक ब्लैक बोर्ड का हम बचपन से ही अपने स्कूल्स में देखते आ रहे हैं कि ब्लैक ब्लैक बोर्ड जो है इस पर टीचर्स लिखती हैं, तो ये ब्लैक ब्लैक बोर्ड जो है ये ब्लैक कलर का क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि इसका कलर ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर, दैट्स वाई ब्लैक बोर्ड अपीयर्स ब्लैक इन कलर। तो देखिए जब भी जितने सारे कलर्स हैं वो ब्लैक वो उस पर बोर्ड पे फॉल होंगे तो वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसी वजह से ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर। नेक्स्ट हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। तो देखिए इसमें से कौन सा जो है ये मेन सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर का, तो इसका करेक्ट आंसर है मदर बोर्ड। तो मदर बोर्ड जो है वो मेन सिस्टम बोर्ड है कंप्यूटर का, आपको याद रखना है, और इसको हम मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है मदर बोर्ड है और इसको हम मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, और ये सिस्टम का जो है मेन सिस्टम बोर्ड है आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज मदर बोर्ड। नेक्स्ट हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर गैल्वनाइजेशन। तो देखिए गैल्वनाइजेशन के टाइम पे कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, तो ये देखिए ये जो मेटल है ये है जिंक। तो जिंक इज यूज फॉर गैल्वनाइजेशन। और गैल्वनाइजेशन होता क्या है? गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग को अप्लाई किया जाता है स्टील या फिर आयरन में, ताकि उसको रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सके। देखिए रस्टिंग जो है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, उसमें वाटर और ऑक्सीजन की मिक्सचर से जब किसी लोहे पे जैसे किसी आयरन पे अगर जब वाटर और ऑक्सीजन पड़ता है तो उस टाइम पे उसमें ऑक्साइड्स बन जाते हैं और उससे रस्टिंग हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गैल्वनाइजेशन प्रोसीजर यूज़ किया जाता है जिसमें जिंक एक प्रोटेक्टिव मेटल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो आपको याद रखना है मेटल यूज फॉर गैल्वनाइजेशन इज जिंक। नेक्स्ट बात है वॉट इज ड्राई आइस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको बता दें कि ये कॉमन नेम है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2 का, और इसका नेम इसलिए है क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता लिक्विड में जब भी इसको हीट कर दिया जाए, बल्कि ये गैस में चेंज हो जाता है। मतलब ये डायरेक्ट सब्लिमेशन के प्रोसेस में चेंज हो जाता है। कोई चीज डायरेक्टली लिक्विड में ना चेंज होकर सीधे गैस में चेंज हो जाती है उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और ये जो ड्राई आइस है ये लिक्विड से लिक्विड में चेंज नहीं होता, सीधे गैस में चेंज होता है। तो आपको याद रखना है ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात है हु डिस्कवर्ड एक्सरे। तो एक्सरे की जो खोज है वो किसने करी, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एक्सरे की खोज की WC Roentgen ने। तो आपको याद रखना है WC Roentgen डिस्कवर्ड एक्सरेज, और ये जो एक जर्मन प्रोफेसर है फिजिक्स के, और ये पहले पर्सन है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कवर किया। तो आपको याद रखना है जिसको हम एक्सरे बोलते हैं, तो एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय WC Roentgen। नेक्स्ट मतलब हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वाटर पोलो टीम। ये वीडियो हमने इसे बनाई है स्पोर्ट्स के जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स में, तो उसकी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए वाटर पोलो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, पहले आपको बता दें कि पोलो जो है उसमें 4 प्लेयर्स होते हैं, वाटर पोलो में होते हैं 7 प्लेयर्स। तो एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं वाटर पोलो में, तो आपको याद रखना देयर आर 7 प्लेयर्स इन अ वाटर पोलो। नेक्स्ट हमारे शेख हसीना वाजिद इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। देखिए एक बात आपको याद रखना है कि जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके प्रेजिडेंट और PMs आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लाइक नेपाल के प्रेजिडेंट कौन है या प्राइम मिनिस्टर कौन है, बांग्लादेश के कौन है, पाकिस्तान के कौन है, अफगानिस्तान के कौन है। तो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं टोटल आपको इनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट जरूर याद होने चाहिए, तो प्लीज़ याद कीजिए। और शेख हसीना वाजिद जो है ये प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, वहां की ये प्राइम मिनिस्टर है। तो आपको याद रखनी है शेख वाजिद हसीना वाजिद इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और ये ऑफिस में है January 2009 से। तो आपको याद रखना है ये जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। तो ये थे आज के क्वेश्चन SSC CGL 5th August 2017 Shift 3 के क्वेश्चन। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो आप भी प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए वीडियो का, उस हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक देते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें प्रोत्साहन मिलता है जब आप लाइक करते हैं। हमारा फेसबुक पेज है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल ID tutorialstudy@gmail.com, आप इसमें अपनी कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। सो थैंक यू एवरीवन।